सो जन एवरी वन कैसा आई होप सभी से बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स का फेज टू का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं और ये कैसा होगा कि मतलब डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा एक बार ट्रस्ट करिएगा डेफिनेटली हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है और अच्छे से डेटा कलेक्ट किया कहाँ पे क्या कैसे चीज़ें कराई जाएंगी इस टूब पे क्या क्या होता है कैसे अब नया पैटर्न के अकॉर्डिंग हो गया पुराना कैसे होता था तैयारी कैसे की जाएगी कितना टाइम है रिजल्ट कब आएगा सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आप वीडियो को एंड तक देखिएगा आपका कोई डाउट आ रहा हो तो कॉमेंट सेक्शन में आज करिएगा डेफिनेटली डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीज़ें ठीक है सबसे पहले क्या इंडियन एयरफोर्स फेज सेकेंड एग्जाम कब होगा देखो मैं आप सभी को जानकारी के लिए आप सभी को बता देता हूँ मेरा नाम अंशु है और डेफिनेटली मैंने इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम भाई पाँच बार क्रैक किया बट लास्ट टाइम जी देने नहीं गया था क्योंकि मतलब स्टेज टू ही देने नहीं गया था बिकॉज मैं मेडिकल अनफिट था और उससे पहले मैंने फोर टाइम्स जी क्लियर किया है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चेक करना है तो टेलीग्राम मतलब यूट्यूब का फ्रंट पेज आप सभी चेक कर सकते हैं ठीक है और ये टू ए से सबसे पहले आपका टू ए न्यू डेली ठीक है और उसके बाद थ्री ए चकेरी कानपुर ठीक है अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या, क्या होते हैं अभी चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो गई हैं पहले से बट अभी वाला और भी ईजी हो गया ठीक है अब हम पहले आप सभी को एक आइडिया दे देते हैं एग्जाम आपका ये हुआ है इन डेट पे रिजल्ट आपका कब आएगा अप्रॉक्सीमेट नवंबर यहाँ पे हमने लिख दिया है चीज़ें ये वाली जो है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो परेशान मत होइएगा इस टेस्ट टू की बात कर लेते हैं तो मिड या स्टार्टिंग फरवरी पे आप सभी एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हो और अगर मेडिकल की बात कर लेते हैं तो अप्रॉक्स मार्च में होगा फिर आपका पी एस एल डेट सत्रह मई है और इनमेंट सत्ताईस मई है ये इसमें जिन कैंडिडेट का नाम आएगा वो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट माने जाएंगे डेफिनेटली चलो हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सबसे पहले आप जब स्टेज टू देने जाओगे अब केवल आपके, आपके दो टास्क होंगे पहले तो आपका होगा पी एफ टी सेकेंड आपका टास्क होगा जी डी ठीक है और यहाँ पे पीएफटी पहले से बहुत इजी कर दिया गया है तो अभी आपका मेल फीमेल का क्या पीएफटी होगा वो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ एज अ मेल कैंडिडेट आप सभी को सात मिनट में सोलह सौ मीटर की रनिंग क्लियर करनी पड़ेगी मतलब 1.6 किलोमीटर सेम टू सेम यही डिस्टेंस होगी फीमेल कैंडिडेट को यही रनिंग आठ मिनट में क्लियर करनी होगी उसके बाद जो आपका सेकंड टास्क होगा मेल कैंडिडेट को टेन पुशअप्स करने होंगे एक मिनट में उसके बाद आपको टेन सेटअप्स करने होंगे एक मिनट में ट्वेंटी स्क्वाइड्स करने होंगे एक मिनट में बेसिकली मैं आप सभी को फिजिकल के लिए भी प्रॉपर गाइड करूंगा ठीक है प्रॉपर गाइड करूँगा कि हाँ ये ये चीज़ें आप मॉर्निंग में कर सकते हो बाकी तो फिजिकल यार ईजी है मतलब अभी से अगर आप लग जाओगे तो ईजिली स्टेज तो आप सभी क्लियर कर जाओगे अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो उनको केवल टेन सिट्प्स एंड फिफ्टीन स्क्वाइड्स करने होंगे ये आपका फिजिकल टेस्ट है डेमो वीडियो ऑलरेडी आप सभी के एंड एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है आप सभी बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा तो ये हो गया एक्सपीरियंस बेस्ट डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है सबसे पहले फिजिकल की प्रॉपर गाइडेंस मतलब कि देखो फिजिकल के लिए भाई ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है ठीक है चीज़ें आसान होती हैं मतलब सात मिनट में फिजिकल करना है दौड़ते रहोगे तो हो जाएगा कानपुर जैसा सेंटर केवल पंद्रह सौ मीटर से ज़्यादा रनिंग का ट्रैक नहीं है बट अब सोलह सौ लिखा है तो लिखा है चलो तो ये हुआ फिजिकल क्लियर फेज टू जीडी की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे क्लासेस पीडीएफ एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे और गाइडेंस तो भाई पक्का वो अच्छी वाली दूसरा मेडिकल गाइडेंस बेसिकली मेडिकल मैंने मतलब बार बार दिए हैं यार मेडिकल फिट होता रहूँ ना तो मेडिकल का फुल गाइडेंस सेकेंड अब क्या क्या चीज़ें होंगी रेगुलर क्लास होगी जब तक आपका फेज टू नहीं हो जाता डेली क्लास करेंगे एक क्लास करेंगे डेली करेंगे कहाँ पे करेंगे देखो यार मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं है और ना मेरे पास बनवाने के लिए रुपए हैं ठीक तो मैं ये क्लास आप सभी को टेलीग्राम के एक प्राइवेट चैनल पे अपडेट करूंगा जो कि नेट रुपये पे करेंगे ज्वाइन करेंगे उन्हीं को क्लास देखने को मिल पाएगी फ्री में जो सोच रहे हैं उनको भी उनके लिए भी अरेंजमेंट मैं डेफिनेटली करूंगा तो उनको भी परेशान नहीं होना है जो ये सौ दो सौ रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ठीक है चलो तो रेगुलर क्लास टिल द फेज टू रिकॉर्डेड क्लास होंगी भाई डेली एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जीडी वगैरह कर अगर आपका जल्दी हो जाता है ठीक है जीडी आपका जल्दी हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगा कि जीडी अगर जल्दी हो रहा है तो फिर हम उसके लिए ज़्यादा जल्दी क्लासेस कर लेंगे मैराथन कर लेंगे बट मुझे पता है कि कितना टाइम आप सभी को मिलने वाला है उसके बाद पी डी एफ भी देंगे रेगुलर कॉन्टेंट रहेगा रिलेवेंट रहेगा मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं आप सभी को पूरा वो बुक का छाप के नहीं देता मुझे जो बेहतर लगता है किसी भी टॉपिक के बारे में कि आठ दस लाइनें मतलब फिफ्टी टू सिक्सटी वर्ड अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है इतना इनफ होता है क्योंकि आपको जी डी एक घंटे नहीं चलता है वैसे मैं जी डी के बारे में बहुत अच्छे से आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा काफ़ी ईजी होता है ठीक है मतलब ऑलमोस्ट अगर ट्वेंटी का बैच है तो सिक्सटीन टू सेवेंटीन कैंडिडेट क्लियर हो जाते हैं ठीक है बट लोग थोड़ा सा वो डर बनाते हैं कि कैंडिडेट ज्वाइन करें उनके बैचेस तो मैं आपको रियलिटी से अवगत करा रहा हूं बस मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली मतलब आपको फिर वो लोड नहीं लेना पड़ेगा ठीक है उसके आगे अगर बात करते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे तो लास्ट टाइम आपका अगस्त में, अभी अगस्त में हुआ था, जिसका पिछली बार पूछे गएंगा उसके बाद जितने प्रीवियस टॉपिक आज किए गए वो टॉपिक कराऊंगा लगभग थर्टी टॉपिक वो होंगे उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड एंड करेंट के टॉपिक करेंगे मतलब टोटल ओवरऑल हंड्रेड टॉपिक मेरा टारगेट है ठीक है उसके बाद सैटरडे एंड संडे डाउट सेशन कर लेंगे आप सभी वीडियो देखो क्योंकि जैसे कोई वीडियो मैं बनाता हूँ हो सकता है आपको तुरंत डाउट आ जाए तो वो तुरंत नहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा हम सैटरडे संडे डाउट सेशन करेंगे मोस्टली हर एक कैंडिडेट से बात करेंगे ज़्यादा किसी कैंडिडेट का डाउट आ रहा है तो वो फिर हम क्लियर कर देंगे उसी दिन क्लियर कर देंगे ठीक है दूसरा फॉर क्लास uh, uh, मतलब अगर कोई क्लास रिलेटेड डाउट आता है तो मैं आपको एक यूजर आई दे दूंगा आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो बट कोशिश करिएगा एज अ लाइक समझदार कैंडिडेट की बार बार किसी को परेशान ना किया जाए ओके फाइनल जी डी मैराथन रिविजन भी हम कर लेंगे जी से पहले जी क्या है इस बार का वो मैं आप सभी को उधर ही बता दूंगा यूट्यूब पे भी बता दूंगा परेशान मत होइएगा इस बार का ठीक है आगे तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई जो ओपन करने वाले हैं आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी आगे बढ़ते हैं आप किसी को ऐसा लग रहा है कि भैया कैसे आप करोगे क्या कैसे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने चैनल पे जीडी के 150 से भी ज़्यादा टॉपिक करा रखे हैं ठीक है अगर कोई डेडिकेटेड बंदा है तो ये भी करके आप आराम से जीडी निकाल सकते हैं बट हाँ न्यू टॉपिक अगर हम कर लेंगे तो फिर फंसेंगे नहीं किसी भी कंडीशन में नहीं फंसेंगे ये थोड़ा सा मतलब एक साल पुराने वीडियो है बट अगर मेहनत करने वाला है तो इन वीडियो को फ्री में भी करके निकाल सकता है और जिन्हें वो डेमो टाइप का चाहिए तो आप इन वीडियो को देख लीजिएगा कॉन्टेंट देख लीजिएगा बस ठीक रहा मेडिकल का नॉलेज तो भाई अल्ट्रा लेवल का है मतलब सारी की सारी चीज़ें पता है क्या क्या होता है नीचे टेस्टिकल से लेके ऊपर आपका हेड तक ठीक है सारा का सारा डी एस कैसा होता है ई कैसा होता है यूरिन कैसा होता है ब्लड टेस्ट कैसे होता है सारी की सारी चीज़ें ठीक आगे सबसे ज़्यादा चैनल पे मेडिकल के वीडियो अवेलेबल हैं आप सभी अगर देखना चाहते हैं कि एयरफोर्स में मतलब मेडिकल कैसे होता है लेसिक सर्जरी क्या होती है विजन क्या होता है आंखों का टेस्ट क्या होता है आ, कौन से पार्ट का कैसे चेकअप होता है वो सारा का सारा आप सभी को एक प्ले है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिनको मेडिकल से रिलेटेड डाउट है मैं मेडिकल का भी आपको प्रॉपर यहाँ पर गाइड भी करूँगा मेडिकल का प्रॉपर गाइड करूँगा ठीक है आगे हाँ अब सबसे बड़ी बात वे इसके लिए फी क्या रखी है ठीक है तो अब यहाँ पे कैंडिडेट को क्योंकि मैंने आज तक तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं है तो एक बात पहले बताता हूँ भाई मैं फ्री में भी एक सीरीज चलाऊंगा यूट्यूब पे यूट्यूब पे नहीं टेलीग्राम पे जहाँ पे मैं प्रीवियस वाले वीडियो आपको डेली एक सीरीज वाले फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा ठीक है तो जिनको लग रहा है कि ये सौ दो सौ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उस सीरीज़ को फॉलो करिएगा मैं गारंटी देता हूँ कि भाई डेफिनेटली आप क्लियर कर दोगे ठीक है और जिनको ये बैच ज्वाइन करना है वो फिर थोड़ा एडवांस हो जाएगा बाकी कोई दिक्कत नहीं है देखो सबसे पहले मैं मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग कर रहा करूँ एक लिमिटेड ही रखेंगे क्योंकि मैं खुद हूँ एक दो चार मतलब लोग हैं जो सीनियर हैं उनकी मदद से तो यहाँ पे क्या है मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग, अलग अलग रखेंगे क्योंकि वह मिसअप ना हो और जैसे डाउट सेशन चल रहा है तो फिर मेल और फीमेल वो क्रॉस टाइप में ना हो क्योंकि जे सबका अलग अलग होता है फ़ीमेल के लिए मैम कंडक्ट कराती है और मेल के लिए सर कंडक्ट कराते हैं थ्रो टेलीग्राम प्राइवेट चैनल हम ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे हाँ आप सभी को फ़ीस कितनी पे करनी है केवल दो सौ रुपये इसका मैंने फी रखा है ज़्यादा लग रहा हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता है बट इसमें भाई मेहनत लगेगी ऑलमोस्ट सौ वीडियो मुझे करने हैं पी डेली बनाना होगा कॉन्टेंट क्रिएट करना होगा और लगभग तीन से चार महीने लगातार रहना होगा मेडिकल के प्रॉपर गाइडेंस आप सभी अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग मतलब बहुत से YouTube पे मैं सभी को मोस्टली जानता हूँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि पाँच पाँच हजार दस दस हजार रुपये आपको इसी जी के कंडक्ट कराने के लिए लेंगे जिसमें कुछ भी नहीं होता मैं फिर से कह रहा हूँ आपको लग रहा है आप मेरी फ्री वाली सीरीज भी फॉलो करोगे हो सकता है आप इजली क्रैक कर जाओगे बहुत सारे लड़के भी पीडीएफ रिजल्ट आएगा नाम होगा बट अगर एक बार कर लोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा मैं इसकी गारंटी देता हूँ ठीक है तो इसका फ़ी मैंने केवल दो सौ रुपये यहाँ पर रखा है और आई होप आपको ये समझ में आएगा अब बात आ जाती है भैया ज्वाइन कैसे करें लिंक टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है ठीक है सबसे पहले आप सभी को क्या करना है टेलीग्राम पे अगर हो गए आपको मैं अपना यू पी और क्यू आर कोड टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगा जैसे ही वीडियो फिनिश होगा उसके बाद आ, उसके बाद क्या होगा आप अगर एज अ मेल कैंडिडेट हैं ठीक है तो आपको क्या अपना फ़ोन नंबर शेयर करना होगा अपना नेम शेयर करना होगा और पेमेंट जो आपने करी है उसका स्क्रीन शॉट शेयर करना होगा फॉर मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग सेपरेट ग्रुप है यहाँ पे ठीक है उनमें उनको नेम शेयर करना होगा अपना और पेमेंट का स्क्रीन शॉट उनको अपना नंबर वगैरह नहीं शेयर करना है ठीक है ये दो चीज़ें आप सभी को करना है दूसरी बात यहाँ पर कहाँ पर शेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर एट द रेट अंशु सिंह ए एन एस एच यू एस आई एन जी एच टू अंशु सिंह टू इस पर आप सभी को ये चीज़ शेयर करनी है और आपका मैं वेरीफाई करके चीजें ग्रुप में ऐड कर दूंगा परेशान मत होना फर्स्ट नवंबर से आपका क्लास स्टार्ट होगा एक नवंबर से स्टार्ट होगा क्लास और ये कंटिन्यू रहेगा ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका एयरफोर्स स्टेस टू हो नहीं जाता मेडिकल एग्जाम आपका नहीं हो जाता मेडिकल एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट आता है तो वहाँ पर चीज़ें मतलब रहती हैं एक नंबर से स्टार्ट करेंगे फेज टू तक हम ये चीज़ें कॉन्टिन्यू रखेंगे और हम अपनी तरफ से अपना फुल बेस्ट देंगे और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ अगर चीज़ें भाई फॉलो करोगे हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आप आपसे भी क्लियर कर पाओगे ठीक है बाकी आप सभी का जो डाउट आ रहा है आप मुझे इधर मैसेज करके पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आप सभी को रिप्लाई मिलेगा कोशिश करना ऑडियो फॉर्मेट में पूछ सकते हो और ऑलमोस्ट टाइम मैं अगर बात करूँ तो टाइम तीन मंथ का मैंने यहाँ पर टारगेट रखा है कि ऑलमोस्ट थ्री मंथ नाइन्टी डेज में हम हंड्रेड टॉपिक कराने का टारगेट करते हैं हम फिजिकल और जे ठीक है मेडिकल का गाइडेंस कर देंगे ठीक फिजिकल के लिए अब आप, आपको कोई एकेडमी या सब कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं आप घर पे ही कर सकते हो ये जी फिजिकल है जे डी के लिए मैं आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करा दूंगा डाउट सेशन एंड सारी की सारी चीज़ें हम करते चलेंगे साथ में बस यही था तो आप सभी को जिन जिन कैंडिडेट को ज्वाइन करना है डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पर क्यू कोड या यू पी शेयर करूँगा मात्र दो सौ रुपये आप सभी को पे करने हैं और वहाँ पे करने के बाद आप सभी को उसका स्क्रीनशॉट इस आईडी पे शेयर करना है और ग्रुप में आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा हूँ ठीक है तो हो सकता है थोड़ा सा नर्वस टाइप में हो बट कोई नहीं आप सभी सपोर्ट करिएगा इसमें और डेफिनेटली मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तगड़ी मेहनत होगी आप सभी को ज़्यादा बस जितना करोगे डेफिनेटली मतलब फिर वो ये नहीं रहेगा ना कि भाई टेस्ट में निकलेगा कि नहीं निकलेगा बाय टेक केयर स्वस्थ रहिए मस्त रहिए कोई क्वैरियर मतलब आप ठीक है ओके आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी और ये चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो यहाँ पे आप सभी को कुछ वो दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया कुछ कठिन है क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा वाला जय ऑल द बेस्ट टेक केयर थैंक यू बाय